हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसका। तो नेटवर्क आपको मिल जाएगा 2G से 5G तक, ठीक है। ये एक 5G स्मार्टफोन है। ये अनाउंस हुआ था 4 अक्टूबर 2023 को और ये रिलीज हो चुका है 12 अक्टूबर 2023 को। बॉडी का डायमेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो बॉडी का डायमेंशन है वो है 162.6 × 76.5 × 8.8 mm और ये इंच में दिया हुआ है। इस फोन का जो वेट है वो है 213 ग्राम और ये आउंस में दिया हुआ है। इसका जो बिल्ट है वो है ग्लास फ्रंट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, ग्लास बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है। इसमें कुछ सिम आप नैनो सिम डाल सकते हैं और ई सिम भी सपोर्ट करता है। ये IP68 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है। आपका फोन 1.5 मीटर 30 मिनट तक पानी के अंदर मतलब बच सकता है, उसके बाद ही खराब होगा। अभी डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो डिस्प्ले टाइप है वो है LTPO OLED डिस्प्ले, जो 120Hz डिस्प्ले है। HD10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है ये, ठीक है। इसका जो एवरेज ब्राइटनेस है वो है 1600 nits और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2400 nits, ठीक है। डिस्प्ले का जो साइज है वो है 6.7 inches और जो डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो है 1344 × 2992 pixels। ये 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है और इसका जो पिक्सल पर इंटेंसिटी है डिस्प्ले का वो है 489 और जो प्रोटेक्शन है वो तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, ये तो मैं पहले ही बता चुका। और ओलेजन डिस्प्ले आपको यहाँ में मिल जाएगा। ओलेजन डिस्प्ले एक अच्छा फीचर है जिसके मदद से अगर आपका फोन लॉक है तो उसमें आपको टाइम या फिर नोटिफिकेशन दिखाता रहता है, ठीक है। ये फ्लेक्सी फोन में ही मिलता है स्पेशली और ये 1 hertz में काम करता है, तो आपका बैटरी मतलब ज़्यादा बैटरी नहीं खाता है ये, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस PDF का गूगल ड्राइव लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ में जाके आप इस PDF को डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं। और मैं गूगल पिक्सल 8 प्रो का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ में जाकर और जाके आप कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ में जाके आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट का लिंक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक करके आप इसे डाउनलोड कीजिए PDF को, या फिर जानकारी प्राप्त कीजिए फोन के बारे में, या फिर फ्लिपकार्ट में जाके इस फोन को खरीद लीजिए, ठीक है। अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। तो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें OS आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाएगा और जो चिपसेट मतलब प्रोसेसर जो मिलेगा आपको यहाँ में वो मिलेगा आपको गूगल टेंसर G3 जो 4 nanometers में बेस्ड है। इसमें आपको CPU नोनो कोर मिल जाएगा और जो GPU मिलेगा वो है इमोर्टेलिस G715S MC10, ठीक है। इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा जो है 12GB RAM 120GB स्टोरेज। इसमें आपको UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज आपको मिल जाएगा। अभी कैमरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो आप इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 megapixel का f1.7 एपर्चर के साथ में आता है। ये वाइड एंगल का काम कर देता है OIS के साथ में, ठीक है। इसमें लेजर ऑटो फोकस भी है। जो सेकंड कैमरा है वो 48 megapixel का f2.8 एपर्चर के साथ में आता है। ये टेलीफोटो कैमरा का काम कर देता है, ठीक है। इसमें भी आपको OIS मिल जाएगा 5x ऑप्टिकल जूम के साथ में। जो थर्ड कैमरा है वो 48 megapixel का f2.0 एपर्चर के साथ में आता है, जो 126 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल का काम कर देता है। फीचर्स आपको मिल जाएगा इसमें, देखिए डुअल LED फ्लैश आपको मिल जाएगा, पिक्सल शिप मिल जाएगा, अल्ट्रा HDR मिल जाएगा, पेनोरामा मिल जाएगा और बेस टेक आपको मिल जाएगा। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps 60fps में, 1080p 24, 30, 60, 120 या 240fps में। जायरो ES के साथ में आता है ये, OIS भी सपोर्ट करता है, 10-bit HDR भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको सेल्फी कैमरा आपको मिल जाएगा 10.5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ में आता है। यह भी अल्ट्रा वाइड एंगल का काम कर देता है, ठीक है। इसमें को फीचर्स आपको मिल जाएगा ऑटो HDR और पैनारोमा। यहाँ में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 24, 30 या फिर 60fps में, 1080p 30 या फिर 60fps में। साउंड देखिए हमें यस स्टेरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा, 3.5 mm का आपको नहीं मिलेगा। अभी कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले WLAN के बारे में देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा वाईफाई का वर्जन 802.11, वाईफाई 6E या फिर 7 के साथ में, ठीक है। ये प्राइमरी वाईफाई है और वाईफाई डायरेक्ट भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको ब्लूटूथ का वर्जन आपको मिल जाएगा 5.3। पोजीशनिंग आपको GPS मिल जाएगा, ठीक है। NFC आपको मिल जाएगा, रेडियो आपको नहीं मिलेगा
और यूएसबी का वर्जन जो आपको मिलेगा इस फोन में वो है यूएसबी टाइप सी 3.2, जो यूएसबी सी टाइप 3 से बहुत ज्यादा फास्ट है। इसमें आपको सेंसर्स क्या क्या मिलेगा देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, अंडर स्पीड ऑप्टिकल सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, थर्मोमीटर, या फिर स्किन टेम्परेचर सेंसर। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड बैंड यूडब्ल्यूबी सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। बैटरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगा जो 5050 mAh बैटरी है, ठीक है, जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है, ठीक है। इसमें आपको चार्जिंग, आपको चार्जर मिल जाएगा 30 वाट का वायर चार्जर जो 50% 30 मिनट में कर देता है, और 23 वाट वायरलेस चार्जिंग आप ये सपोर्ट करता है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगा इस फोन में। इसमें कलर्स आपको 3 मिल जाएगा, देखिए ऑप्सीडियन, पोर्सेलिन और बे। इसमें आपको मॉडल्स 2 मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। इसमें आपको परफॉर्मेंस दिया है, एंटूटू का स्कोर दिया है, गीक बेंच का जो स्कोर दिया है, जीएफएक्स बेंच का स्कोर दिया है जो बहुत अच्छा है। यहाँ में डिस्प्ले दिया है कौन सा स्पेशलिस्ट इन्फिनिट नॉमिनल जो बहुत अच्छा है, कैमरा से आप फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाउड स्पीकर का स्कोर बहुत अच्छा है, -26.6 है, लोफेस जो बहुत अच्छा है। अगर आपका बैटरी नया है तो यह में आप यूज कर सकते हैं 11 घंटा 14 मिनट, ठीक है, अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं पूरा। और अगर बैटरी पुराना हो चुका है तो इंड्यूरेंस आपको 90 घंटे तक आपको मिल जाएगा, एंड्योरेंस जो है मतलब टिका रहेगा। अभी प्राइस बताने जा रहा हूँ कि गूगल पिक्सल 8 प्रो का प्राइस कितना है इंडिया में, जो यहाँ में तो एक ही वेरियंट है, बेस कह लीजिए या फिर टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट जो है 12 GB RAM 128 GB स्टोरेज, इसका प्राइस है 1,06,999 रुपये, ठीक है। फाइनली मैं कुछ इमेजेस कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि गूगल पिक्सल 8 प्रो देखने में कैसा लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।